Hi students, welcome to lecture 10 of Human Reproduction. My name is Shubham Kaushik and I am Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. So, इस lecture में हम लोग parturition means delivery and lactation के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो जो gestation period हम लोगों ने देखा था कुछ last lecture में कुछ animals का, अब हम लोग कुछ और animals का देख लेते हैं, जैसे rabbit में 28 to 30 2 डेज का जो है गेस्टेशन पीरियड मींस प्रेगनेंसी टाइम जो है इतना होता है. रैट में 20 टू 22 डेज का, कैट में जो है अराउंड 60 टू 70 डेज का रहता है, वेल में जो है अराउंड 365 डेज का रहता है, मैन में 270 टू 290 डेज, डॉग में 60 टू 65 डेज, काओ में जो है 275 टू 290 डेज जो है ऑलमोस्ट जो है वो मैन जैसा ही रहता है काओ में. एलिफेंट में जो है 607 से या 607 टू 641 डेज तक, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन गेस्टेशन पीरियड है कुछ एनिमल्स के, तो ये हमको याद रखने हैं. उसके बाद कुछ टर्म्स जो है वो पूछे जाते हैं, इसका मतलब क्या है. जैसे फर्स्ट है गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल. अगर मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया. उसके बाद एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे एमनोरिया. उसके बाद हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस. अगर यूट्रस रिमूव किया जाता है, मोस्टली यूट्रस कैंसर के टाइम पे, यूटराइन कैंसर के टाइम पे, सर्वाइकल कैंसर के टाइम पे यूट्रस जो है रिमूव कर दिया जाता है. उसके बाद ओफरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ओवरीज. अगर ओवरीज को रिमूव किया जाता है किसी रीजन की वजह से, तो ये टर्म्स हमको याद रखना है. उसके बाद वर्ल्ड ओल्डेस्ट मदर, ठीक है, रोशना डेला पोर्टेर, इटालियन वुमन, गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय on July 18, 1994 at the age of 62. She is believed to be world's oldest mother. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एम्स में जनरल नॉलेज में आया करते थे, बट अभी जो है एम्स जो है वो नीट के पैटर्न पे ही होने वाला है, तो जनरल नॉलेज या इस तरीके के क्वेश्चन आना बंद हो गए. उसके बाद एडोलेसेंस पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी. तो गेस्टेशन पीरियड हम लोगों ने देख लिया इसमें अलग अलग एनिमल्स का. ह्यूमन में जो है हमको 9 मंथ्स का है यहाँ पर, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज. तो इस तरीके से जो है डॉक्टर्स जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं. उसके बाद तो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जिसमें मेनली जो हॉर्मोन है वो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन रहते हैं. The process of giving birth to young ones is called as parturition या labor. It is induced by neuroendocrine mechanism. ठीक है, तो brain जो है इसको control करेगा through endocrine system means chemical hormones के through control करेगा. The signal from fetus and placenta induce mild uterine contraction. Fetus जब develop हो जाएगा तो वो placenta के through signal देगा, इसमें uterus में contraction start होंगे, fetal ejection reflex बोलते हैं उसे. This causes release of oxytocin from maternal pituitary. ठीक है, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा. ऑक्सीटोसिन causes stronger uterine मसल कॉन्ट्रेक्शन और तेजी बढ़ते जाएंगे, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. This process is continued leading to expulsion of baby out of the uterus through the birth canal. ठीक है, यूट्रस में जो है कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन होंगे और जिसकी वजह से जो बेबी है वो आउट ऑफ यूट्रस निकल आए थ्रू बर्थ कैनल. ठीक है, इसमें जो है मेजरली 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट है डायलेशन स्टेज, ये स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड अकर एट लॉन्ग इंटरवल्स वंस एवरी 30 मिनट्स. दिस फोर्सेस द बेबी टू पुश इट्स हेड अगेंस्ट सर्विक्स. ठीक है, इसकी वजह से बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ पुश होने लगेगा. एज ए रिजल्ट सर्विक्स गेट डायलेटेड. सर्विक्स जो है डायलेट मतलब चौड़ा हो जाएगा. इन वजाइना ऑल्सो showing similar dilation. Dilation of cervix increases the stimulus of oxytocin secretion. फिर cervix जब dilate हुआ तो oxytocin और increase होगा, further increasing the strength and frequency of contraction. अब contraction जो है, पहले एक contraction हो रहा था 30 मिनट में, अब जो है वो हर एक या 3 मिनट में contraction बढ़ता जाएगा. जितना ज्यादा contraction बढ़ता जाएगा उतना जो है बेबी जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा. With continued powerful contraction, the amnion ruptures and the amniotic fluid flows out through the vagina. ठीक है, amnion rupture होगा और जो amniotic fluid था वो vagina के through बाहर निकल आएगा. Second stage with further increase in the intensity,
of uterine and abdominal contraction, the baby comes out through cervix and vagina with head coming out first. ठीक है, धीरे धीरे वो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा और बेबी जो है बाहर की तरफ मूव करेगा, हेड जो है वो पहले बाहर निकलेगा. ठीक है, इट टेक्स अराउंड 20 to 60 मिनट. अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, द इन्फेंट लंग एक्सपेंड, इट बिगिंस टू ब्रीदिंग. ठीक है, बर्थ से पहले जो है लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं. आफ्टर डिलीवरी जो है वो इन्फेंट के लंग फर्स्ट टाइम काम करते हैं, उनमें हवा भरी जाती है इसलिए. ठीक है, और वो ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं. दिस रिक्वायर्स ए मेजर स्विच ओवर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पूरा यहाँ पर चेंज होगा. ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग. इन सम इन्फेंट द स्विच ओवर इज इनकम्प्लीट एंड ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी आर्टरीज इज इनएडिक्वेट. फेलियर टू सिंथेसाइज इनफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज वन कॉज. ठीक है, तो ये इतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. कुछ बच्चों में जो है ऐसा देखा जाता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तक वो सांस जो है मदर के थ्रू ले रहा था, प्लेसेंटा के थ्रू ले रहा था. अब अचानक से जो है उसे अपना खुद का जो है लंग्स के थ्रू सांस लेना होता है. कुछ केसेस में ये जो है स्विच जो हो रहा है लंग्स के थ्रू वो नहीं हो पाता है. उसका एक रीजन है कि सेल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड उतना नहीं बन पाता है. थर्ड स्टेज आफ्टर बर्थ, विद इन 10 to 15 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी, द प्लेसेंटा एंड द रिमेन्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ इज एक्सपेल्ड आउट. ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है मदर जो है एक्सपेल आउट कर देती है. ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है, दिस इज यूटेरस. ठीक है, और वो सर्विक्स की जो है सर्विक्स है, इसके थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा. ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाएगा. अब तो पार्चुरेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ और जो बाकी के जो है वो रेमिनेंट जो है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैक्टेशन. द मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन. द येलो इज मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम. शुरुआत के दिन में एक येलोइश फ्लूड डेवलप होता है, येलोइश मिल्क डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और वो बहुत जरूरी होता है यंग वन के लिए. इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज. ठीक है, तो जो नया बच्चा है उसमें अभी इन्वायरमेंट में जितने वायरस बैक्टीरिया उनसे लड़ने की पावर नहीं है, तो बहुत सारे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनी बनाई एंटीबॉडीज जो है वो कोलेस्ट्रॉम के थ्रू जो है वो बच्चे तक प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो यही वहां लैक्टेशन का जो है थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है. ऑल द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर एसेंशियल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ बोथ दीज हॉर्मोन्स इज टू इनिबिट द एक्चुअल सिक्रीशन ऑफ मिल्क. ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी करते हैं, बट एक्चुअल में यही इनिबिट भी करके रखते हैं मिल्क सिक्रीशन को. ठीक है, कन्वर्सली द हार्मोन प्रोलैक्टिन हैज एक्चुअली अपोजिट इफेक्ट ऑन सिक्रीशन, प्रमोशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन. तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो करते हैं बट मिल्क के रिलीज को स्टॉप करते हैं. तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क के सिक्रीशन को प्रमोट करता है. ठीक है, तो इन दोनों का अपोजिट एक्शन है. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय मदर्स एंटीरियर पिट्यूटरी. तो प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा and its concentration in her blood rises steadily from the 5th week of pregnancy until birth of baby. At the time it has risen 10 to 20 times the normal non-pregnant level. ठीक है, in addition the placenta secreted large quantity of HCS which probably also has lactogenic properties. तो HCS जो है उसमें भी lactogenic properties है, means milk secretion में help करेगा, thus supporting prolactin from the mother's pituitary during pregnancy. The fluid that is secreted in the last few weeks before the first few weeks of parturition is called as colostrum. It contains all necessary proteins and mostly antibodies. उसके बाद ejection कैसे होगा, milk secretion कैसे होगा. Milk is secreted continuously in the alveoli of breast. ठीक है, milk जो है वो बनता रहेगा, alveoli में इकट्ठा होता रहेगा. But milk does not flow easily from alveoli into the duct system and therefore does not continually leak from the breast nipples. ठीक है, instead the milk must be ejected from the alveoli into the duct before the baby can obtain it. This is caused as a combined neurogenic and hormonal reflex that involves the posterior pituitary hormone oxytocin. ठीक है, तो milk जो है वो nipple के थ्रू बाहर नहीं आएगा जब तक ये neurogenic and hormonal reflex काम नहीं करेगा. तो milk produce हो जाएगा memory glands में,
बट वो सीक्रेट आउट नहीं होगा, ठीक है। व्हेन द बेबी सकल्स सेंसरी इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू, जब बेबी जो है उसको मिल्क जो है वो सकल करना स्टार्ट करता है, तो सिग्नल जो है वो ब्रेन में जाता है मदर के, और वहां से सिग्नल जो हाइपोथैलेमस रीच करता है, देयर कॉजिंग नर्व सिग्नल दैट प्रमोट ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, एट द सेम टाइम दे कॉज प्रोलैक्टिक सिक्रीशन, ठीक है। तब जाके ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होगा। ऑक्सीटोसिन इज कैरिड आउट इन द ब्लड टू द ब्रेस्ट वेयर इट कॉजेस मायोएपिथेलियल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर बाय एक्सपेलिंग द मिल्क फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द डक्ट्स, ठीक है। तब जो है मिल्क का एक्सपेंशन स्टार्ट होगा और वो बेबी तक पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है हमारे आ जाते हैं कभी कभी। जैसे एरिस्टोटल, हम बोलते हैं इसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ही फर्स्ट स्टडीड द डेवलपमेंट इन चिक एंड अदर एम्ब्रियो, ही गेव इट्स डिस्क्रिप्शन इन हिज बुक हिस्टोरिया एनिमलिया। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है और हिस्टोरिया एनिमलिया बुक किसने लिखी थी। उसके बाद लीवेनहॉक, ही ऑब्जर्व द डिस्क्राइब ह्यूमन स्पर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, लीवेनहॉक ने ह्यूमन स्पर्म को जो है पहली बार ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया। अकॉर्डिंग टू हार्ट सोकर एंड लीवेनहॉक, देयर इज स्मॉल मॉडल ऑफ डेवलपिंग एनिमल प्रेजेंट इन द हेड ऑफ स्पर्म ऑफ दैट एनिमल, द स्मॉल मॉडल इज कॉल्ड एज होमोनिकल्स, बोथ दीज साइंटिस्ट आर कॉल्ड एज स्पर्मिस्ट, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पर्मिस्ट, ठीक है। उन लोगों ने थ्योरी दिया जो मोस्टली आज के जमाने में नहीं माना जाता है, कि ह्यूमन स्पर्म में एक डेवलपिंग एनिमल का जो है एक स्मॉल मॉडल होता है, बट ये थ्योरी जो है आज के जमाने में नहीं माना जाता है। उसके बाद डेम, हेलर, बॉनेट एंड मालफेजी, इन लोगों ने कुछ मॉडल दिए। स्मॉल मॉडल एनिमल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एग, दीज साइंटिस्ट आर कॉल्ड एज ओविस, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एनिमल का जो स्मॉल मॉडल है वो स्पर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इनको स्पर्मिस्ट बोलते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, जो मॉडल है वो ओवम में प्रेजेंट है, इसलिए इनको ओविस्ट बोला जाता है, और इनकी थ्योरी को ओविस्ट थ्योरी बोला जाता है। श्लेडर एंड स्वान, बोथ साइंटिस्ट एस्टैब्लिश द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड स्पर्म, इन लोगों ने एग और स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया। पेंडर डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स ऑफ चिक एम्ब्रियो, ठीक है। तीन जर्मिनल लेयर जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसने चिक एम्ब्रियो में स्टडी करके बताया। फ्रेडरिक वॉल्ड, ही फर्स्ट प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस इसने दिया। उसके बाद रिकैपिटुलेशन जो होता था, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उसका थ्योरी जो है मुलर ने दिया। हैकल जो है, ही गेव द डिटेल्स ऑफ रिकैपिटुलेशन थ्योरी एंड नेम्ड इट एज बायोजेनेटिक लॉ, इन्होंने इसका नाम डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया और इसका नाम रखा बायोजेनेटिक लॉ। और बायोजेनेटिक लॉ अकॉर्डिंग टू दिस, ईच ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पासेस थ्रू ऑल द स्टेजेस थ्रू विच इट्स स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड, एम्ब्रियो रिपीट्स इट्स एंट्री, ठीक है। तो इन्होंने बोला ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स इट्स फाइलोजेनी। तो ऐसा इन्होंने बोला कि जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वो अपने इवोल्यूशन के सारी चीजों को दिखाता है। जैसे एम्ब्रियो का फर्स्ट मंथ है तो हम देखेंगे कि वो एक मछली के जैसे दिख रहा है। सेकेंड मंथ का अगर एम्ब्रियो का फोटो देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो एक जो है डेवलपिंग स्मॉल एनिमल जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर एक बिग फिश जैसा दिख रहा है, फिर वो जो है ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा दिख रहा है। तो एक तरह से इनका कहना ऐसा है कि बायोजेनेटिक लॉ अकॉर्डिंग जो एम्ब्रियो है वो अपनी एंसेस्ट्री दिखाता है, जो 9 मंथ्स है उसमें वो एक तरह से पूरा फ्लैशबैक दिखाता है अपने इवोल्यूशन की, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी वाइड स्प्रेड थ्योरी, बहुत सारे लोग इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये थ्योरी अभी भी मानी जाती है, ठीक है। तो ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स इट्स फाइलोजेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूछा जाता है कि किसने दिया था, ठीक है। तो हमको याद रखना है इट इज गिवन बाय हैकल। उसके बाद बेयर जो साइंटिस्ट है, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एरिस्टोटल, और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी इज वॉन बेयर या कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, एक ही साइंटिस्ट है। ही गेव द बेयर्स लॉ विच इन टर्न प्रूव इट्स रिकैपिटुलेशन थ्योरी, इन्होंने भी अपना एक अलग से थ्योरी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट द डेवलपमेंट ऑफ जनरल स्ट्रक्चर्स टेक्स प्लेस अर्लियर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप्ड एट लास्ट और लेटर ऑन, ठीक है। तो ऐसा कोई खास थ्योरी इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने बोला कि जनरल स्ट्रक्चर्स पहले बन जाएंगे और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है वो बाद में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर
खत्म होता है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिए। अगर कोई टॉपिक बच रहा होगा तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसके नोट्स पूरी तरीके से तैयार किए, जब ये वीडियो आप देख लें, लेक्चर 10 आप देख लें, उसके 2 या 3 के अंदर आपको नोट्स जो है वो सबमिट करने हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को देखना है, जो डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है वो आपको ड्रॉ करने हैं। जितने ज़्यादा डायग्राम्स आप नोट्स में ड्रॉ करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो नहीं ड्रॉ करेंगे चलेगा, बट जो नए डायग्राम्स हैं जो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं बहुत सारे, वो डिफरेंस भी नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन जो है नीट में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो एक छोटा चैप्टर है इसी के साथ जुड़ा हुआ है रिप्रोडक्शन के साथ, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।